हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ये श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष चल रहा है, इसमें हम सब कुछ न कुछ उपाय करते हैं जिससे हमें अपने पितरों का, पितृ यानी मरे हुए हमारे पूर्वज, उनका हमें पूरा आशीर्वाद मिले, वो हमसे प्रसन्न हो। इसमें पितृ 16 दिन के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं और ये विदा हो जाएंगे 2 अक्टूबर को। तो कुछ न कुछ ऐसा करते ही रहते हैं, सभी पितृ के लिए तर्पण करना दैनिक, और जिस दिन उनका तिथि होता है, जिनको हम जानते हैं जैसे अपने दादा परदादा या पिता, तो उनके लिए तिथि जानते हैं, तो तिथि के दिन पिंडदान भी करते हैं, बाकी तर्पण तो डेली चलता रहता है। तो घर में पितृ दोष है या नहीं, कभी कभी हम लोग जान नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी कुंडली या बर्थ डेट नहीं मालूम होती, कुंडली नहीं होती है तो ठीक से पता नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी घर में कुछ ऐसी घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं जिनसे आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग सा चल रहा है और जीवन सुखमय नहीं चल रहा है, तो समझो आपसे पितृ नाराज हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी करिए और सतर्क हो जाएं, इसको हल्के में न लें, क्योंकि पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि घर में रहती है, सब काम बनते चले जाते हैं। नाराज हो जाते हैं तो बहुत गड़बड़ होता है। जानने से पहले महादेव के सभी भक्त महादेव के चरणों में सब्सक्राइब और लाइक समर्पित करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम पितृ देवताभ्याम नमः ये लिख जरूर लिखें। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी घटनाएं बताई गई हैं जिनसे पता चल जाता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, उसके लिए विशेष पूजा अनुष्ठान करके हम उससे मुक्त हो सकते हैं। हमारे पितृ भी तरेंगे, वो भी प्रसन्न होंगे और हमारे घर में खुशहाली भी आएगी। तो अगर आपके घर में बार बार कहीं ना कहीं पीपल का वृक्ष उग रहा है, पीपल का पौधा उग रहा है छोटा छोटा भी, तो आप समझ जाइए सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, शुभ संकेत है। इसके अलावा अगर खाने में या खाना बनाते समय बार बार कुछ अशुद्धि समझ में आए या बाल निकल आए, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं है, यह पितृ की किसी अधूरी इच्छा को दर्शाता है। और इसके अलावा अगर घर में हम खूब रोशनी करते हैं तेज रोशनी के बल्ब में, लेकिन कुछ देर जलने के बाद बल्ब एकदम धीमे हो जाते हैं, या घर में खूब धन आ रहा है लेकिन धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, आता उससे जल्दी और तेज़ी से धन आपके हाथ से निकल जाता है, तो ये समझ लो पितरों की नाराज़गी का लक्षण है। या किसी के घर में पुत्र या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो भी आपके, खासकर आपके पितृ नाराज़गी को ये दर्शाता है। या घर में कोई कुंवारा है, लड़का है या लड़की है, बार बार उसके लिए रिश्ते आते हैं, रिश्ते ढूंढे जाते हैं, लेकिन बात बनते बनते ऐसा लगता कि ये रिश्ता हो जाएगा और नहीं हो पाता, फिर बनते बनते बात जाती है बिगड़, तो भी समझ जाइए कि आपके घर में कोई न कोई पितृ बाधा आ रही है। अब हम आपको बताएंगे इसके बड़े ही सरल उपाय। जानने से पहले एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में धन समृद्धि पाने के लिए जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जिन पितरों को आप जानते हैं नाम से, जो रिसेंट 1-2 पीढ़ी पहले के हैं, उनके नाम से आप दान करें, जो चीज़ें उनको पसंद हों खाने पीने की उनका दान करें, उनको जिस तरह के कपड़े पसंद हों कपड़े दान कर दें। आप उनके नाम से कुछ भी दान कर सकते हैं, जो उनकी फेवरेट वस्तु होगी उसको यदि आप दान करेंगे तो आपके वह पितर जल्दी आपसे प्रसन्न होकर के आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। और जिन्हें आप नहीं जानते हैं कई पीढ़ी पहले के हैं, तो आप पितृपक्ष में प्रतिदिन तर्पण करें सुबह स्नान करने के बाद, और जिनको जानते हैं उनकी तिथि पर आप ब्राह्मण भोज करें, एक ब्राह्मण को ही बुला दें, उनको खिलाएं उनके नाम से,
और उसके साथ ही उसी भोजन में से पहले भोजन निकाल दें आप गाय के लिए, फिर आप निकाल दें कौवे के लिए, फिर आप निकाल दें कुत्ते के लिए और चींटियों के लिए। कुत्ते के लिए तो आप ब्राह्मण को भोज कराने के बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी चींटी गाय कौवा इन सब के लिए पहले निकाल दें फिर ब्राह्मण को भोज कराएं, उसके बाद कुत्ते को भी भोजन कराएं। इससे आपके पितरों को बड़ी शांति मिलती है, उनकी आत्मा तृप्त होती है और वह आशीर्वाद देते हुए पितृलोक के लिए वापस जाएंगे जब जाएंगे यहाँ से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। क्योंकि देखिए, और आप कर सकते हैं शनिवार के दिन काले तिल डालकर भोलेनाथ पर जल चढ़ा के आ जाएं और अपने जहाँ पीने का पानी भर के रखते हैं, शिव पुराण बताती है कि जहाँ आप पीने का पानी भर के रखते हैं रसोई में या भोजन बनाने का रखते हैं, वहाँ शाम को प्रतिदिन एक दीपक घी या तेल का अपनी श्रद्धा के अनुसार अवश्य जलाएं। उसमें कुछ दाने काले तिल के डाल दें, आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। और छोटे छोटे से उपाय हैं, स्नान करके सूर्य देव को काले तिल डालकर थोड़ा गुड़ हल्दी डालकर प्रतिदिन जल समर्पित करें। उसमें एक कनेर का पुष्प या आप लाल गुड़हल का पुष्प डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव हमारे सबसे पुराने आदि देव हैं, उनको जल चढ़ाने से भी हमारे पितरों को तृप्ति होती है, शांति मिलती है। सूर्य देव को तो जल आप साल भर चढ़ाएं, और अभी पितृपक्ष में स्नान करने के बाद एक लोटे में जहाँ रसोई वाला पानी भरते उसी में से एक लोटा जल लेकर के कुछ काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप अपने पितरों को याद करते हुए मन ही मन उनको आप ये जल समर्पित कर दें और सुबह तर्पण करें। उससे पहले कुछ गायत्री मंत्र के जाप करें या द्वादश अक्षर मंत्र के जाप करके उनको आप समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह आपका किया हुआ जप प्राप्त करें और अपनी जो सोल है उनकी उसको दिव्य रूप में बनाते हुए आपको आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद दें। और सूक्ष्म रूप से जब समय हो तब दिव्य लोक में जाएं, उससे पहले आशीर्वाद देकर जाएं। तो ये प्रतिदिन आप कुछ जप तप भी उनके नाम से कर दिया करें। और बड़े ही सरल सरल छोटे छोटे से उपाय हैं, तुलसी के पास शाम को प्रतिदिन दिया जला दिया करें। तुलसी माता लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं और पितरों को याद करके आप दिया जलाएंगे उनके पास तो बहुत प्रसन्न होगी। घर की दक्षिण दिशा में यदि दीपक रख सकते हैं, नहीं तो मुख्य मेन गेट के बाहर जो सबसे बाहर का गेट है दक्षिण की ओर मुख करके शाम को एक सरसों के तेल का दिया कुछ काले तिल डालकर पितरों के नाम कर रख दें। इससे भी आपके घर में बड़ी सुख शांति आएगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और माता लक्ष्मी का भी पदार्पण होगा आपके घर में। पितरों के आशीर्वाद से ही संभव है ये सारी चीज़ें। इसलिए छोटे छोटे काम करते रहिए प्रतिदिन दैनिक रूप में, जब तक श्राद्ध पक्ष चल रहा है प्रतिदिन दीपक जलाएं, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, अपने पितृदेवों को जल चढ़ाएं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक लोटा जल काले तिल लाल कर, जैसे मैंने आपको बताया। जितने दिन रह गए उतने ही दिन करें। कुत्ते को सरसों का तेल चुपड़ कर रोटी खिला दें, जिससे काला या कैसा भी रंग को कुत्ता हो पितृदेव आशीर्वाद देंगे। पितरों का आशीर्वाद जिनको मिलता सब सुखी रहते हैं।